तो देखो WWE के अंदर हो चुका है रिलीज फिर से एक बार, तो 12 अगस्त WWE ने कर दिया है 2021 के अंदर फिर से एक बार रिलीज। और भाई इस रिलीज के अंदर जो सुपरस्टार शामिल है वो दो काफी बड़े नाम है गाइस, इनके बारे में वीडियो के अंदर बात करेंगे क्यों ये सुपरस्टार रिलीज हुए, इसके बारे में अपडेट्स आ चुकी हैं, एंड एलिस्टर ब्लैक एंड स्ट्रोमन क्यों रिलीज हुए इसके बारे में वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो गाइस पूरी वीडियो एंड तक आप देखते रहना। तो चलो गाइस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले क्या होता है, WWE ट्वीट डालती है जो कि स्क्रीन पर देख पा रहे होगे। और गाइस यहां पर से WWE एलिस्टर ब्लैक ब्रॉन स्ट्रोमन मर्फी रूबी रैट एंड सेंटेनो को WWE कंपनी से निकाल देती है। और भाई WWE ने इन सुपरस्टार को कंपनी से रिलीज दिया। इसके बाद आप जो इवन सब लोगों के रिएक्शन देख पा रहे होगे। सेथ रॉलस ने भी कहा कि ये जो है आज अच्छा फील नहीं हो रहा है। साथ ही साथ इसके बाद आप और भी रिएक्शंस देख पा रहे हो कि जहाँ पर ब्रॉन स्ट्रोमन ने लिखा है व्हाट चैप्टर इन लाइफ थैंक यू। और भाई साथ ही साथ आप देखोगे कि भाई बाकी सारे सुपरस्टार भी एक दूसरे सुपरस्टार को ट्रिब्यूट दे रहे हैं भाई, उनको अब WWE से निकाल दिया। और भाई यहाँ पर से ब्रॉन स्ट्रोमन भी एक फोटो पोस्ट करते जो कि स्क्रीन पर देख पा रहे होगे। और भाई उन्होंने भी यही लिखा है कि व्हाट इन चैप्टर इन लाइफ थैंक यू। और भाई साथ ही साथ यहाँ पर से बड़ी मर्फी ने भी कहा है कि भाई जो आज तक का मेरा जो है रेसलिंग के अंदर 8 सालों से जो है पूरा करियर रहा है वो मेरा काफ़ी बेहतरीन रहा, मुझे छोटे बहुत मैचेस भी मिले, कई बार लंबा भी मैच मिला, पर खैर मुझे काफ़ी बढ़िया लग रहा है। और भाई यहाँ पर से जो हमारे एलिस्टर ब्लैक है उनको WWE ने क्यों रिलीज़ किया, तो भाई एलिस्टर ब्लैक ने कल लाइव के अंदर कहा था कि भाई WWE ने बजट कट्स के सहारे से मुझे निकाला, क्योंकि बजट कट्स आपको पता हो कि भाई इसलिए WWE बहुत सुपरस्टार को रिलीज़ करती है। पर खैर इस पर जो है कई ऐसी पुख्ता अब खबर भी नहीं कि भाई हाँ बजट कट के थ्रू उनको निकाल दिया। पर खैर जो है एलिस्टर ब्लैक जैसे आप बड़े टैलेंट को इतनी तरीके से भाई मेन इवेंट में आकर उन्हें हायर करते हो, और भाई यहाँ पर से मेन इवेंट में आकर उस बंदे को आप रिटर्न करते हो और भाई उसके बाद एक हफ्तों में उसको रिलीज देते हो, तो भाई क्या ही WWE को हम कह सकते हैं। और भाई जो हमारे एलिस्टर ब्लैक है उनको भी रिलीज दे दिया। और भाई ऐसा WWE क्योंकि इससे पीछे कोई रीज़न नहीं, पर खैर एलिस्टर ब्लैक ने कहा था कि मुझे भाई बजट कट के थ्रू WWE निकाल दिया। और भाई यहाँ पर से जो बजट कट का जो रीज़न है वो जो है इसीलिए एलिस्टर ब्लैक को WWE ने फायर किया था अपनी कंपनी से। और भाई देख लेते कि एलिस्टर ब्लैक का फ्यूचर होता है WWE से जाने के बाद। पर गाइस वही बात रही अपने मॉन्स्टर अमंग मैन यानी कि ब्रॉन स्ट्रोमन की, तो भाई ब्रॉन स्ट्रोमन का भी फिलहाल यही कुछ सीन है। और भाई यहाँ पर से जो हमारे ब्रॉन स्ट्रोमन है उनको भी फिलहाल जो है WWE ने निकाल लिया। और भाई इसके पीछे भी यही रीज़न निकल कर सामने आ रही कि बजट कट का यहाँ पर ब्रॉन स्ट्रोमन के साथ भी इशू चल रहा था। गाइस ब्रॉन स्ट्रोमन ने 2019 के अंदर मतलब 2019 के अंदर उन्होंने WWE के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। और भाई इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर उन्होंने 4 सालों की WWE की डील साइन की थी जो कि 2023 में ख़त्म होती है। और भाई यहाँ पर से 2030 तक उन्होंने डील साइन की थी। पर गाइस इस डील के अंदर जो ब्रॉन स्ट्रोमन को पैसे पेयर कर गए थे वो भाई काफ़ी ज़्यादा थे। और भाई इसलिए तब से रूमर आने शुरू हो गए थे कि भाई ब्रॉन स्ट्रोमन कंपनी को लीव कर सकते हैं, ब्रॉन स्ट्रोमन कंपनी को छोड़ सकते हैं। पर गाइस जिस पर ब्रॉन स्ट्रोमन ने कुछ रिप्लाई नहीं दिया, पर गाइस आज जाकर उन्होंने ये फैसला लिया कि भाई ब्रॉन स्ट्रोमन को उन्होंने रिलीज कर दिया। और गाइस यहाँ पर से जो ब्रॉन स्ट्रोमन है उनको भी साथ ही साथ WWE ने रिलीज दे दिया। और भाई ब्रॉन स्ट्रोमन के साथ भी यही सीन है कि भाई उनको जो काफ़ी पैसे WWE पे कर रही थी, विंस मैकमैन उन्हें काफ़ी ज़्यादा पैसे दे रहे, तो भाई इसलिए खैर यही कुछ रीज़न था कि भाई ब्रॉन स्ट्रोमन को भी WWE ने फायर किया अपनी कंपनी से। पर भाई ब्रॉन स्ट्रोमन को अब यूनिवर्सल चैंपियनशिप WWE ने दी थी, इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप उनको दी दी थी, टैग टीम चैंप वो बने थे। और भाई उन्होंने काफ़ी बढ़िया WWE के अंदर रिकॉर्ड्स बनाए, काफ़ी मोमेंट भी उन्होंने क्रिएट किया, एम्बुलेंस पलटाना, गाड़ी वगैरह तोड़ना फोड़ना, और भाई काफ़ी उन्होंने जो है बढ़िया मोमेंट्स WWE के अंदर किया। और भाई यहाँ पर से ब्रॉन स्ट्रोमन को अभी WWE टाइटल पिक्चर के अंदर डाला था। और भाई यहाँ पर से ब्रॉन स्ट्रोमन इवन रिकवर होके भी जो है पिछले मंडे नाइट रॉ के अंदर हमें रिटर्न करते हुए दिखाई देते हैं, इसके बावजूद भी WWE को रिलीज दे दिया। तो भाई हम कुछ इसके ऊपर भी कह नहीं सकते कि भाई हाँ ब्रॉन स्ट्रोमन को WWE ने रिलीज दिया, इसके ऊपर हम कुछ कह नहीं सकते। पर खैर जो WWE ने रिलीज किया है तो हम भी यह कर सकते हैं। बाकी बस यही थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आ गई तो वीडियो कर दीजिए लाइक, कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब। बस यही थी आज की हमारी वीडियो, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।